अस्सलाम वालेकुम। टुडेस टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा इज अ न्यूटेरियन। व्हाट इज न्यूटेरियन यू मस्ट बी डिस्कस्ड इन फर्स्ट ईयर। हाइड्रा के पास कोई भी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। जो वेस्ट नाइट्रोजिनस मटेरियल होते हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं वो सिंपली जो ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स होती है उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है और बहुत ज़्यादा सिंपलर होता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। यस, दिस इज प्रोटोनेफ्रिडियम। ये हमारे पास क्लोज नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का जिसमें कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। जो ये स्ट्रक्चर होता है इसमें टफ ऑफ सीलिया होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं जिसकी वजह से जो इंटरस्टीशियल फ्लूड होता है ना वो फ्लेम सेल या ट्यूबुलर सिस्टम की तरफ मूव करता है। इसकी वजह जब ये सीलिया अपनी मूवमेंट को शो करते हैं तो बिल्कुल फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शो होता है। इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर कहा है या फिर फ्लेम सेल्स कहा है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सीलिया की मदद से इंटरस्टीशियल फ्लूड से फ्लेम सेल्स के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ से जो फ्लेम सेल्स है आगे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे जो फ्लेम सेल्स हैं यहाँ से फ्लेम सेल्स आपका स्टार्ट हो रहा है इंटरस्टीशियल फ्लूड से। जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट या फ्लूड है वो एंटर होगा। फिर यहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट है और ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सिंपल आपका है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। एक दफ़ा ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट इंटरस्टीशियल इंटरस्टीशियल फ्लूड से फ्लेम सेल्स में आएंगे थ्रू सीलिया। देन फ्लेम सेल्स के बाद दे विल बी मूव टू द एक्सक्रीटरी पोर। दिस इज थ्रू एक्सक्रीटरी डक्ट दैट इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट टू द एनवायरनमेंट। दिस इज द ओवरऑल excretion in plain area।